हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 10 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 43 आज की कार्य पत्रिका कक्षा 4 की है। यहाँ पर ए बी सी जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। पठन अभियान की वर्कशीट है, 8वां सप्ताह, विषय थीम प्यारा घर। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में आज। बच्चों, घर एक ऐसी जगह है जो आराम, सुरक्षा और सलामती की भावना देता है। यह किसी के लिए भी बुनियादी आवश्यकता होता है। हम अपने घरों का निर्माण अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। आइए आज हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि किस का घर कैसा है। तो चलिए हम आज एक कहानी पढ़ते हैं, किसका घर कैसा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिए हैं और कहानी, चलिए देखते हैं। एक बार एक पेड़ के नीचे कछुआ आराम कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कछुआ चिड़िया से कहता है कि तुमने यह कैसा घोंसला बनाया हुआ है जो तिनकों से बना है। मुझे देखो, मेरे पास सैल कवच है जो मेरा घर है। चिड़िया ने कहा, मानती हूँ कि मेरा घर तिनकों से बना है, लेकिन हम सब इसमें साथ रह सकते हैं और तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई और रह नहीं सकता। यहाँ पे देखिए चिड़िया ने कितनी सही बात कही, वो तिनकों से घोंसला बनाई है जिसमें वो और उसके बच्चे रहते हैं। पर जो कछुआ है, इसका तो कवच तो घर है ही, पर इस कवच में सिर्फ कछुआ ही अकेला रह सकता है और कोई नहीं रह सकता इसके घर में। और चिड़िया के घर में उसके ढेर सारे बच्चे रह सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न एक, बच्चों आपके घर में आपके अलावा कौन कौन रहता है? यहाँ पे माता जी, माँ, पिताजी, भाई, बहन, दादाजी, ये सब रहते होंगे। दूसरा, आपका घर किन किन चीज़ों से बना है? किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। तो घर ज़्यादातर सीमेंट, ईंट और रेत से मिलकर बना होता है बच्चों, तो हम दो चीज़ों के नाम लिखेंगे। तीसरा, अपने घर का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। यहाँ पर आपको अपने घर का एक सुंदर सा चित्र बनाना है और उसे रंगना है बच्चों, कलर करना है मतलब। चलिए ये आप खुद ही करिएगा, आगे देखते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की क्या सोच रही होगी? अनुमान लगाकर उसके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएं। यहाँ पे ये लड़की क्या सोच रही होगी? ये सोच रही है, ये देखिए ये बच्चों, ये सीन जो दिख रहा है, ये राजस्थान है। यहाँ ऊँट है, यहाँ घर है और यहाँ के खाने, और यहाँ देखिए ये जूते हैं। तो ये क्या सोच रही होगी? मुझे राजस्थान शहर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का खाना, घर और जूते बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे ऊँट की सवारी अच्छी लगती है। तो इस तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में लिखिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि सभी को अपना घर प्यारा लगता है, वह चाहे छोटा हो या बड़ा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं बच्चों। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप तो अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। बाय बाय।